वेलकम बैक टू पोकर एकेडमी। पहले पार्ट में रिपेयर एंड रिहेबिलेशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के हमने 15 क्वेश्चन पूरे किए थे। आज हम पार्ट टू लेके आए हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा और आपके फ्रेंड के साथ भी आप शेयर करेंगे। और अगर चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। क्वेश्चन दैट एबिलिटी टू रेजिस्ट वेदरिंग एक्शन केमिकल अटैक एब्रेशन और एनी अदर प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन इज नोन एज एबिलिटी। सो क्वेश्चन नंबर 16 द आंसर इज डी। जब आप बात करते हो वेदरिंग एक्शन के कारण कोई भी डिटेरियोरेशन होने के या एब्रेशन के कारण या कोई भी केमिकल अटैक के कारण तो रेजिस्टेंस जो होता है वो हो उनको हम बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट और से कॉन्क्रीट। क्वेश्चन इज आरसीसी इज नॉट प्रूव्ड टू बी ड्यूरेबल ड्यू टू। आरसीसी जो है वो ड्यूरेबल नहीं माना जाता। क्यों? वेरिएशन इन प्रोडक्शन, लोडिंग कंडीशन इन सर्विसेबिलिटी और से सर्विस लाइफ, अटैक बाय एनवायरमेंट फैक्टर और ऑल दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि हम जब बात करते हैं आरसीसी तो जो कंक्रीट होता है वो वेरिएशन इन प्रोडक्शन मतलब कि आप साइट पर कंक्रीट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वेरिएशन होता ही है। और लोडिंग कंडीशन सर्विस पूरी लाइफ के बारे में बात है, एक साल या दो साल की बात नहीं है। तो सर्विस लाइफ में लोडिंग कंडीशन चेंज होती ही रहती है और एनवायरमेंटल फैक्टर भी वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट दी ड्यूरेबिलिटी। तो फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल और ऑल दी अबव। मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हो सकते हैं जो ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं? तो फिजिकल तो यस, केमिकल यस एंड मैकेनिकल ऑल्सो यस फॉर दी एक्सटर्नल फैक्टर। सो क्वेश्चन नंबर 18 आंसर इज डी। ऑल थ्री ऑप्शन ए बी एंड सी आर दी एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट दी ड्यूरेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर इज डी। इज इंटरनल फैक्टर विच अफेक्ट दी ड्यूरेबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है कि इंटरनल जो फैक्टर होते हैं जो ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, एक होता है परमेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। तो हाँ, क्योंकि परमेबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं ड्यूरेबिलिटी उनकी कम होगी। अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन यस, वो भी एक फैक्टर है। वॉल्यूम चेंज 100% अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है मतलब वॉइड्स जनरेट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आंसर इज डी। ये तीनों इंटरनल फैक्टर माने जाते हैं फॉर द ड्यूरेबिलिटी। क्वेश्चन इज क्रैकिंग इज ड्यू टू। जो क्रैकिंग है वो स्ट्रक्चरल लोडिंग के कारण होती है या एक्सपोजर टू टेम्परेचर मतलब जो टेम्परेचर हायर या कम होता है विंटर के समय में टेम्परेचर डाउन हो जाता है और गर्मी की सीजन में टेम्परेचर कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है, तो उनके कारण कहीं ना कहीं क्रैकिंग हो सकती है क्या? थर्ड ऑप्शन जो है वो वॉल्यूम चेंजेस। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये तीनों फैक्टर्स क्रैकिंग के लिए माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 एंट्रेंट एयर परसेंटेज टू रेजिस्ट दी फ्रॉस्ट फॉर नॉमिनल 20 mm साइज ऑफ एग्रीगेट एज पर दी IS 456। तो जो परसेंटेज एयर परसेंटेज होता है टू रेजिस्ट दी फ्रॉस्ट, जो याद रखना पूछा है आपको 20 mm साइज ऑफ एग्रीगेट, तो 20 mm साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए आपका आंसर हो जाएगा ए। और अगर बात कर रहे हैं हम 40 mm साइज के लिए तो आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन इज इंक्रीज इन पोरोसिटी विल रेट ऑफ फ्रीज एंड थो डिटोरिएशन। मतलब अगर हम पोरोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका जो डिटोरिएशन है ड्यू टू दी फ्रीज एंड थो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और पोरोसिटी पर कोई डिपेंड नहीं करता। या फोर्थ ऑप्शन है दोनों, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आप ए, क्योंकि जैसे ही हम पोरोसिटी इंक्रीज करते हैं तो कहीं ना कहीं फ्रीज एंड थो का जो भी डिटोरिएशन है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू दी वेट
So question number 22 answer is A. Question number 23, increase in air entrainment will rate of 3 through deterioration. अब आपको पहले बताया कि जैसे ही void अगर create होते हैं तो आपका rate of जो deterioration है वो increase होता है. तो अगर वो void कहीं ना कहीं हम दूर कर देते हैं तो आपका deterioration क्या होता है, decrease. तो question number 23 का answer हो जाएगा B. Which is known as an agent of deterioration. तो agent किसे बोला जाता है, aggregate को, cement को, water को या किसी भी को. ऊपर जो ऑप्शन दिए इनमें से कोई भी नहीं. तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा वाटर, क्योंकि वाटर ही है जिनको हम एजेंट बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 आंसर इज सी. 25, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट पेस्ट, रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट ड्यू टू द लॉस ऑफ मॉइस्चर इज नोन एज श्रिंकेज. तो ये श्रिंकेज की पूरी डेफिनेशन है. तो क्वेश्चन नंबर 25 आंसर इज बी. 26, is responsible for the development of cracks in the floor and the pavements. तो जो cracks जो होती है floor और pavement में वो किसके कारण ज़्यादातर होती है. तो question number 26 का answer हो जाएगा आपका shrinkage. तो shrinkage के कारण generally floor में या pavement में आपका जो plain structural member है that is horizontal plane में जो होते हैं वो होते हैं floor and pavements. तो उनका क्रैक्स जनरली श्रिंकेज के कारण होता है. इस पीएच वैल्यू ऑफ सी वाटर इज वेरीज बिटवीन. तो जो सी वाटर है उनका पीएच वैल्यू जनरली होता है 7.5 टू 8.5 सॉरी 4. सो दैट यू हैव टू रिमेंबर. सो क्वेश्चन नंबर 27 आंसर इज बी. नंबर 29, द मिनिमम ग्रेड फॉर प्लेन कॉन्क्रीट इन सी वाटर एक्सपोजर कंडीशन. तो याद रखना प्लेन कॉन्क्रीट जो होता है वहाँ पे होता है मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दैट इज M20. क्वेश्चन नंबर 28 आंसर इज सी. क्वेश्चन इज सेम बट दैट इज फॉर द रेनफोर्स कॉन्क्रीट. तो रेनफोर्स कॉन्क्रीट के लिए आपका आंसर आ जाएगा M30. क्वेश्चन नंबर 29 आंसर इज ए. तो पीसीसी अगर पूछा है तो M20 और अगर रेनफोर्स कॉन्क्रीट पूछा है तो M30. सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज वियरिंग अवे ऑफ द सरफेस बाय फ्रिक्शन इज जनरली नोन एज एब्रेशन. सो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा आपका बी. तो ये थे 15 क्वेश्चन पार्ट टू में. नेक्स्ट जो पार्ट है वो बहुत जल्द आपके लिए लेके आएंगे. तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. और अगर चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको डायरेक्टली मिलती रहे. आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे. तो लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.